एक तरफ जहां देश कोविड महामारी से लड़ रहा है, वहीं देश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जिस कारण कई लोगों की जाने तक जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कोविड काल में अगर हम बात करें माधोपुर के परियों वाले बाग की, तो माधोपुर के परियों वाला बाग जो कि महज DC पठानकोट के निवास स्थान से बिल्कुल पास है, वहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ये बाग काफ़ी पुराना था और घने पेड़ों वाला ये बाग खूब ताज़ी हवा देता था और साथ में प्राकृतिक ऑक्सीजन भी देता था। वहीं दूर दूर से सैलानी इसकी खूबसूरती को देखने यहाँ आते थे, लेकिन अब परियों वाला बाग सिर्फ नाम का ही रह गया है, क्योंकि रणजीत सागर डैम का कार्य चल रहा है, जिस कारण नहर को सीधा परियों वाले बाग से जोड़ा जाएगा, जिस कारण ये प्राचीन पार्क खत्म हो जाएगा। वहीं पठानकोट जिला प्रशासन के आगे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बाग के घने पेड़ों के हुए कत्ल को रोका नहीं जा सकता था? ये तो शायद पठानकोट के DC साहिब ही बता सकते हैं। टुडे हेडलाइन से अमित भगत की रिपोर्ट। नमस्कार, टुडे हेडलाइन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं खड़ा हूँ परियों वाला बाग माधोपुर में, जो कि बहुत ही प्राचीन पार्क है। यहाँ का आसपास के जितने भी लोग हैं उनके घूमने की पहली पसंद परियों वाला बाग है। पर लेकिन अब इस जो परियों वाला पार्क है, ये सिर्फ नाम का ही पार्क रह जाएगा, क्योंकि रणजीत सागर डैम का जो कार्य चल रहा है उसके रणजीत सागर डैम की ओर से पावर प्लांट लगाया जा रहा है माधोपुर में। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे एक साइड जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य लगता है, उन परियों वाले बाग पार्क से सीधा जो नहर जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ी जाएगी, जिस कारण परियों वाला बाग जो अब सिर्फ नाम का ही पार्क रह जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं समय परियों वाला बाग माधोपुर की, जहां काफ़ी मात्रा में जो पेड़ों की कटाई की गई है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, कई जगह पे ऑक्सीजन की कमी को देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो पेड़ों की जहाँ पर कटाई की गई है, और अब परियों वाला बाग जो है माधोपुर का सिर्फ एक नाम का ही पार्क रह जाएगा। देख सकते हैं आप काफ़ी मात्रा में जहां जो पेड़ों की कटाई की गई है। परियों वाला बाग माधोपुर जिलाधीश रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने ये पार्क मौजूद है, जहां पे जो पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। परियों वाला बाग माधोपुर अब सिर्फ एक नाम का ही रह जाएगा। तस्वीरें अभी आपने देखी माधोपुर परियों वाला बाग की, रणजीत सागर डैम का जो कार्य चल रहा है उसके चलते जो नहर का एक हिस्सा जो जम्मू कश्मीर की ओर दिया जाएगा, जिस कारण परियों वाला बाग अब जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ परियों वाले बाग का नाम ही रह जाएगा। अमित भगत, टुडे हेडलाइंस, माधोपुर। रागी होम डेकोर। गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, सीलिंग, furniture and door panel, an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 9540066113.